अस्सलामु अलैकुम, मैं सुलेखा अरफान, सुलेखास किचन से। तो चलिए हम बनाते हैं झटपट से न्यूटेला मिल्क शेक। बहुत ही आसान क्विकली बन जाता है, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल्क शेक बनाते हैं। चलिए मिक्सर जार के अंदर एक कप ठंडा दूध डाल दीजिए, 5 स्कूप भर कर आइसक्रीम डाल दीजिए वैनिला वाली, और 4 से 5 टेबलस्पून न्यूटेला के डाल दीजिए, भर कर डालिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ मैं, आप 5 या 6 भी डाल सकते हैं। आप देख लीजिए आपको कितना मिठास पसंद है, कितना आपको टेस्ट उसका चाहिए। मेरे लिए 4 बस था तो मैंने बस 4 डाला, और उसे ढक कर बहुत अच्छे से पीस लीजिए। मतलब पीसना क्या है कि ब्लेंड हो जाए सारा, एक रस हो जाए, बस वहाँ तक ही। अब आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं एज इट इज़, या फिर अब हम ग्लास में इसे डाल देते हैं। मैं यहाँ टॉल ग्लासेस ले रही हूँ, आप सादे ग्लास भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमारा ठंडा न्यूटेला मिल्क शेक डाल दीजिए, और आप चाहें तो एज इट इज सर्व कीजिए, बट मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए। जब तक खूबसूरत ना लगे तब तक खाने या पीने का मजा क्या, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर मेरे पास है ना थोड़ी सी फ्रेश क्रीम रखी हुई थी बाजार की, इसके ऊपर मैं थोड़ी ड्रिजल कर रही हूँ। थोड़ा सा न्यूटेला को है ना मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया, इस तरीके से उसको डेकोरेट कर लेती हूँ ऐसा डालकर, न्यूटेला को डालकर। इसके ऊपर थोड़े से आप नट्स डाल दीजिए, मैं अखरोट डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने है ना डार्क चॉकलेट को खुरच के रखा है वो डाल देती हूँ, और ये बन गया हमारा ठंडा न्यूटेला मिल्क शेक, सर्व करने को रेडी है। आप चाहें तो फ्रिज में रख कर और थोड़ा ठंडा कर फिर पी, या एज इट इज इसी समय पी लें। इसी तरीके से और मिल्क शेक्स की रेसिपी चाहिए बढ़िया से डिफरेंट स्टाइल्स की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड करूँगी। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक्स जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।